नेक्स्ट प्रॉब्लम हाफ लाइफ पे ये है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ मर्करी 197 डिकेज इनटू गोल्ड विद अ डिके कांस्टेंट ऑफ डिके कांस्टेंट उन्होंने दिया हुआ है 0.0018 पर आर. दे सेड टू कैलकुलेट हाफ लाइफ. इसकी हाफ लाइफ क्या है और पार्ट बी में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस ओरिजिनल अमाउंट विल रिमेन. फ्रैक्शन पूछी जा रही है. फ्रैक्शन मीन्स एन ओवर एन नॉट पूछा जा रहा है. विल रिमेन आफ्टर थ्री हाफ लाइव्स. आफ्टर थ्री हाफ लाइव्स, थ्री हाफ लाइव्स गुजरने के बाद कितनी फ्रैक्शन रह जाएगी और सी पार्ट में 10 डेज के बाद कितनी रह जाएगी. तो सबसे पहले डिके कॉन्स्टेंट अगर देखा जाए गिवन है तो हाफ लाइफ हमें पता है वो नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा के इक्वल होता है. तो हम सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 0.018 कर देंगे और हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 64.166 आवर्स मिल जाएगी इसकी इसकी हाफ लाइफ. ये आवर्स में है, सेकंड में भी कर सकते हैं, मिनट में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू आप एडिशनली करना चाहें. तो फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करनी है आफ्टर थ्री हाफ लाइफ्स. तो हमारे पास जो लॉ है वो ये है, ठीक है, एन बाय एन नॉट हमने फाइंड आउट करना है आफ्टर विद इन दिस टाइम. थ्री हाफ लाइफ्स गुजर चुकी है ना, ठीक है, थ्री हाफ लाइफ्स. तो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा इसका भी हमें फाइंड आउट कर लिया है, वो गिवन है लैम्डा. और यहाँ पे हम टी पुट कर देते हैं, थ्री टी वन बाय टू. और अभी इसी की पावर में टी वन बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ टू डिवाइडेड बाय लैम्डा. तो ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक इजी सा हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस थ्री नेचुरल लॉग ऑफ टू, ठीक है. तो ये फिर ई टू द पावर माइनस थ्री नेचुरल लॉग ऑफ टू फाइंड आउट कर लेते हैं और वो आ जाता है 0.125 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी. और इसी तरह आगे है टी इज इक्वल टू 10 डेज. 10 डेज के बाद हमने देखना है. तो यहाँ पे ये कैंसिल वाला केस नहीं होगा, यहाँ पे फिर हमें प्रॉपरली वैल्यूज़ को सिमिलर यूनिट्स में पुट करना होगा. ई टू द पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, गिवन है 0.018 इन आवर्स, ठीक है, पर आवर में ये गिवन है. और इसे मल्टीप्लाई करना है टी के साथ, टी जो है 10 डेज है, इसे आवर्स में करना है. वन डे की जगह हम 24 आवर्स डाल देंगे और ये पावर में 10 × 24 हो जाएगा. फिर माइनस 0.018 × 10 × 24, तो ये फिर आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.075 इसका आंसर आ जाएगा. तो इस तरह आफ्टर मेनी हाफ लाइफ्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं. बस टी की जगह जितनी हाफ लाइफ्स गुजर गई हैं इक्वल्स लाइक थ्री टी वन बाई टू, मैंने थ्री हाफ लाइफ्स के लिए किया, फोर कह सकते हैं, फाइव एंड सो ऑन.